future is now. ओके जी, तो बात हो रही थी हमारे पास नेटवर्किंग इंडस्ट्री को समझने की, तो हमने इनकी दो कैटेगरीज बना दी थी। द फर्स्ट वन इज लॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द सेकंड वन इज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। और हमने बात की थी जब हम कॉलेज के सिनेरियो को डिस्कस कर रहे थे, तो हमने कहा था जी बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है कि आप एक डिवाइस लगा दें और उन तमाम की तमाम जो आपके कंप्यूटर लैब के अंदर सिस्टम्स रखे हुए हैं, उन तमाम के तमाम सिस्टम्स को जाकर आप उन डिवाइस के साथ प्लग इन कर दें। जैसे ही आप प्लग इन करेंगे तो इनकी आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी और आपके जितने भी जो बेसिक प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। सो जिस डिवाइस का मैं जिक्र किया था वो हमारे पास यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, एंड दैट डिवाइस इज कॉल्ड अ स्विच। ठीक है, आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक इंटरप्राइज लेवल का स्विच मौजूद है, और ये स्विच बेसिकली तौर पर क्या करता है, ये स्विच बेसिकली तौर पर तमाम की तमाम डिवाइसेस जो कि किसी भी ऑफिस के अंदर हैं, किसी कंप्यूटर लैब के अंदर हैं, या किसी भी इंटरप्राइज बिजनेस के अंदर लगी हुई हैं, उन तमाम की तमाम डिवाइसेस को आपस में इंटरकनेक्ट करता है। और ये इस पर जो मेरे पास स्विच है ये सिस्को का है, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी कंपनीज हैं जो इन डिवाइसेस को बना रही हैं, जिसमें आप जूनिपर को कंसिडर कर सकते हैं, टीपी लिंक को कंसिडर कर सकते हैं, डेल को आप कंसिडर कर सकते हैं, एचपी के स्विचेस मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। सो दे ऑल आर मेकिंग द स्विचेस एंड दीज स्विचेस आर कैपेबल टू कनेक्ट द डिवाइसेस विद इन अ बिल्डिंग और विद इन अ ऑफिस। और कनेक्टिविटी के लिए यहां पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास मौजूद हैं केबल्स। इसी की मैं बात कर रहा था कि हमारे पास जो है केबल्स मौजूद होती हैं, इन केबल्स के थ्रू जो है आप तमाम की तमाम डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए मेरे पास यहाँ पर एक फोन रखा हुआ है, अगर मैं इस फोन को इस डिवाइस के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ तो ये प्रोसेस बड़ा सिंपल है, आप इसकी किसी भी पोर्ट के अंदर जो है इस केबल को प्लग इन कर दें। ये देखो इसका एक एंड कनेक्ट हो गया है यहाँ पर, अब दूसरा एंड जो है उस एंड पर मैं इस टेलीफोन को भी कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं आईपी कैमरा को भी कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं सिस्टम्स को, लैपटॉप्स को, या कोई भी डिवाइस हो। व्हेन वी टॉक अबाउट द नेटवर्किंग इंडस्ट्री सो वी कैन नॉट लिमिटेड टू द सिस्टम्स, हम ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ लैपटॉप्स को कनेक्ट कर रहे हैं या हम सिर्फ डेस्कटॉप्स को कनेक्ट कर रहे हैं। When we talk about the connectivity, it means that every device can connect to our switch or every device can connect and join our networking industry. So, जब ये end जो है मैं दूसरी device में लगा दूंगा और इस switch को जो है मैं power on करूंगा, तो इस switch पर connect होने वाली सारी की सारी devices जो है वो आपस में communication शुरू कर देंगी। और जब ये सारी की सारी devices इस switch के साथ connect हो जाएंगी तो हम कहते हैं अब जो हमारे पास network बन रहा है that network is called local area network। लोकल एरिया हमने क्यों कहा, लोकल एरिया हमने इस वजह से कहा क्योंकि ये स्विच इन डिवाइसेस को सिर्फ लोकली आपस में कनेक्ट कर रहा है, ये सिर्फ इनकी आपस में कम्युनिकेशन करवाएगा। अगर ये डिवाइसेस इंटरनेट पर जाना चाहती हैं तो ये फिर वक्त पॉसिबल नहीं है। इट मींस दैट कि इंटरनेट पर ले जाने के लिए कोई और डिवाइस हमारे पास मौजूद होगी जो कि ये काम या ये फंक्शन परफॉर्म करेगी। लेकिन अगर हम विद इन द बिल्डिंग बात करते हैं, विद इन द कंप्यूटर लैब बात करते हैं, विद इन द कैंपस बात करते हैं, तो तमाम डिवाइसेस की कनेक्टिविटी के लिए जो हम डिवाइसेस यूज करते हैं उन डिवाइसेस को हम कहते हैं स्विचेस, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम यूज करते हैं स्विचेस के साथ वो हमारे पास केबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इस केबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम आने वाले एपिसोड्स के अंदर इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो आई होप दैट के हमारा जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का एरिया है उसमें हमने पहली डिवाइस के बारे में इंट्रोडक्शन ले लिया है कि ये वो डिवाइस होगी जो कि हमारे पास तमाम के तमाम बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स और जो आईपी फोन्स हैं या आईपी कैमरास हैं उनको आपस में कनेक्ट करेगा। सो लेट्स मूव फर्दर एंड सी हाउ वी कैन कनेक्ट विद इंटरनेट वर्ल्ड एंड व्हाट काइंड ऑफ अदर डिवाइसेस आर इन्वॉल्व इन द नेटवर्किंग इंडस्ट्री। सो लेट्स मूव नाउ।